ये देखें हमारी ज़बरदस्ती चिकन अगवानी ग्रेवी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, राज फूड क्रेविंग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन अगवानी ग्रेवी। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत डिलीशियस बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन तकरीबन 1 kg है, बोन्स के साथ होल चिकन है 1 kg, इसको मैंने वॉश करके खुश कर लिया था। प्याज है 3 नॉर्मल साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ में मैंने काट लिए हैं। कुछ हरी मिर्चें चाहिए होंगी 5 से 6 अदद। क्रीम है, क्रीम मुझे ये पैकेट मैंने लिया है लेकिन मुझे इसमें से हाफ चाहिए होगी। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 कप योगर्ट है, दही है, सॉल्ट हसबे ज़रूरत है, ब्लैक पेपर भी हसबे ज़रूरत है, 2 लेमन चाहिए, कसूरी मेथी चाहिए, गरम मसाला है कुटा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून, ऑयल फॉर कुकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक मैंने जूसर ले लिया है, उसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें ऐड करूंगी मैं और ये 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज और मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है, अब इसको रख देंगे हम एक साइड पर। मैंने एक बाउल ले लिया है शीशे का जिसमें मैंने चिकन ऐड किया हुआ है, 1 kg चिकन है विद बोन्स, होल चिकन है। अब इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 कप योगर्ट है हमारे पास, इसको मैं ऐड कर दूंगी, 1 के बाद कसूरी मेथी थी जो मेरे पास उसको मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ये 1 टेबलस्पून है, 1/2 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला पिसा हुआ, ये गरम मसाला है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 यानी क्रीम, यानी के तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीम के। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। मैंने जिस बाउल में पहले डाला था वो थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने एक बड़ा बाउल में सारी चीज़ें वही वाली ऐड कर दी हैं। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ विद टेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर है ये भी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इन सबको कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, दफा फिर से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस सारे को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए चिकन को हम रख देंगे ताकि सारा जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। 30 मिनट्स बाद हम इसको देखते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1/2 आवर हो चुका है। मैंने एक ले लिया है डीप पैन, इसमें मैं अब ऑयल ऐड कर दूंगी तकरीबन 5 टेबलस्पून। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए, ऑयल हो चुका है गरम। अब इसमें हम 1/1 ये जो चिकन मैरिनेट हुई हुई थी इसको हम
डालते जाएंगे। थोड़ा सा झाड़िएगा ताकि जो मसाला है वो ज़्यादा इसके साथ ना आए। मैरिनेट करने से चिकन में तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से लग चुके हैं, मिक्स हो गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। चिकन इसमें मैं डाल चुकी हूँ, तेज़ आंच पे अब हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। फ्लेम हाई रखा हुआ है, इसमें हम चिकन को कर रहे हैं फ्राई। उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें चिकन कितने अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये जो बाकी मसाला था हम वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमारी चिकन अफगानी ग्रेवी तैयार हो रही है। मैंने अब इसमें ऐड कर दी हैं कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ऊपर से कोरिएंडर। अभी मैंने फ्लेम बंद नहीं किया, अभी आप देख सकते हैं अच्छी सी भुनाई हो रही है इसकी। अब हम इसमें रखेंगे कोयला। कोयला मैंने गरम करके, ये देखिए ना, मैंने अच्छे से गरम कर लिया है इसको। और साथ ही हम रखेंगे इसके कुछ 3-4 इलायची और 3-4 लौंग। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी चिकन अगवानी ग्रेवी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आप सबको। और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।